बिजनर्स ऑनर प्रीमियर लीग के चौथे सीजन की शुरुआत नोएडा के कोलोसियम क्रिकेट ग्राउंड में हुई, जिसमें सभी प्लेयर्स और उनके परिवार ने दोस्ताना माहौल में क्रिकेट का आनंद लिया। इस टूर्नामेंट का मुख्य मकसद बिजनर्स ऑनर्स के बीच आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत करना है। यह एक प्रकार की नई शुरुआत है। इसके तहत न केवल क्रिकेट का आनंद लिया जाता है, बल्कि अलग अलग क्षेत्र में व्यापार करने वाले मालिकों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में क्रिकेट का आयोजन किया जाता है। वह इस टूर्नामेंट के लिए सभी खिलाड़ियों का बिजनर्स ऑनर्स होना जरूरी है और इनका चयन आईपीएल की तर्ज पर किया जाता है, जिसके लिए खिलाड़ियों की बोली भी लगाई जाती है और उसके बाद इस साल में दो बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। वही आमतौर पर इस क्रिकेट के सभी मैच दिल्ली में किए जाते हैं, लेकिन चुनाव की वजह से इस बार यह आयोजन दिल्ली से सटे नोएडा में आयोजित किया गया है। इस टूर्नामेंट के विभिन्न पहलुओं और प्लेयर्स के ताजा अनुभवों को और इसकी झलकियों को दैनिक भास्कर ने अपने कैमरे में कैद किया। नोएडा से संजय शर्मा की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। ऑर्गेनाइजर की इसमें ऑर्गेनाइजर हो रहे हैं, मैं गेम देख रहा हूँ, टॉस के लिए आया था, मैंने टॉस कराया है यहाँ पे। मेरा कुल मिला के कहना ये है कि बिजनेस ओनर प्रीमियर लीग है, क्रिकेट का बिजनेस के लोग और बिजनेस के जुड़े हुए और खेल के जरिए अपने बिजनेस एक्सटेंशन की बात करें, एक दूसरे से मुलाकात करें और एक दूसरे से अपने बिजनेस आइडियाज शेयर कर सकें, तो एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें और अच्छा क्रिकेट खेल सकें और उसके साथ एक बिजनेस की बातचीत कर सकें। देखिए दो चीज़ें हैं, ज़्यादातर मैदान में जितने उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नियाँ हैं, वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, वो जरूर है। इन्होंने मुझे हायर किया भी अपने और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट है। आज जैसे कि हम देख सकते हैं कि फाइनल चल रहा है टूर्नामेंट का, तो इट्स क्वाइट फैंटास्टिक और सभी प्लेयर काफ़ी फिट है। एंटायर टूर्नामेंट प्लेयर्स का फिट रखे हैं और कोई भी इंजरी नहीं होने दी, तो हमने चैनल के माध्यम से दोनों टीमों को और एंटायर भी ओपी की जो टीम है जो बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया है, उनके लिए मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।